अनफॉर्चुनेटली आज बारिश का मौसम है। सोच रहा था दो तीन दिन से कि टी स्टेज का वीडियो बनाऊं, जाऊं, आज आया तो सुबह से बारिश ही बारिश है। उम्मीद करते हैं कि बारिश कम हो जाएगा थोड़ी देर में, देखते हैं। बारिश के साथ ही हम इसका मजा लेंगे आज। आज हम एक एक्सेप्शनल वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, असम चाय के लिए जाना जाता है, फर्टाइल स्टेट है यहाँ, मतलब फर्टिलिटी का कमी नहीं है। असम इज द लैंड ऑफ एग्रीकल्चर, तो असम इज फेमस फॉर टी गार्डन। तो हम कोशिश करेंगे आज पूरा डिटेल में बताने की, देखते हैं एज मच एज पॉसिबल हम लोग कोशिश करेंगे। और यहाँ के जो भी स्टाफ लोग रहते हैं ये स्टेट टी स्टेट का, तो जनरल मैनेजर वगैरह से मिलने की कोशिश करते हैं, क्या बताते हैं वो लोग, इन लोगों का क्या मार्केटिंग वर्केटिंग कैसे करते हैं। इसलिए सब लोग तो जानते ही हैं असम इज फेमस फॉर टी गार्डन। तो ऑलमोस्ट 5 करोड़ हेक्टर्स एरिया को कवर करके रखे हुए हैं ये टी गार्डन। तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलते हैं ये टी गार्डन के जरिए। और यहाँ से जो पट्टा तोड़ने का काम अभी तो फिलहाल चालू है, तो देखेंगे हो सके तो वो पत्ता तोड़ने के समय दिखाएंगे। असम के अंदर में अप्रोक्सीमेट, मतलब अपर असम लोअर असम सभी को पकड़ के अप्रोक्सीमेट 800 और समथिंग टी स्टेट्स है। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को एक गुवाहाटी के नियर बाई एक टी स्टेट है जो फेमस है नागरीजुली करके, आप लोग यूट्यूब वगैरह में सर्च करोगे, गूगल में सर्च करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो एक फेमस टी स्टेट है जो नागरीजुली टी स्टेट नाम से जाना जाता है, तो आज हम वहां आप लोगों को लेके आ रहे हैं। उनसे ही मैंने इंट्रोडक्शन आप लोगों को देने की कोशिश किए हैं और आगे जाएंगे ऑफिस में और उन लोगों का क्या सिस्टम है और यहाँ के जो काम करने वाले लोग रहते हैं आदिवासी लोग जो होते हैं, तो उन लोगों के साथ भी हम लोग बातचीत करेंगे। और उसके बाद क्या प्रोसेस है, कैसे इसको मतलब मार्केटिंग वगैरह कैसे करते हैं, तो इसी के बारे में हम ये वीडियो के जरिए आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। ये जो नागरीजुली टी स्टेट है ये 1995-96 में प्लांटिंग किया गया था। और ये टोटल जो गार्डन है ये गार्डन को कंप्लीट 47 हेक्टर एरिया को कवर किया हुआ है। तो असम का एक एक्सेप्शनल चीज है जो है चाय है। और यहाँ हम लोग आ रहे हैं अभी नागरीजुली टी स्टेट, तो यहाँ आने के लिए आपको वाया रंगिया जो रूरल कामरूप डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आते हैं, तो गुवाहाटी से आपको रंगिया आना पड़ेगा। और रंगिया होके तामुलपुर एक एरिया है, अभी डिस्ट्रिक्ट हो गया है, पहले वो बक्सा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में था, तो तामुलपुर होते हुए आपको आना पड़ेगा और आके ये नागरीजुली टी स्टेट आपको मिलेगा। पूरी गार्डन के बीचों बीच में इन लोगों का ऑफिस कम फैक्ट्री एस्टेब्लिश किए हुए हैं। यहाँ हम लोग आ पहुँचे हैं। अनफॉर्चुनेटली इन लोगों का जो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो लोग बाहर गए हुए हैं कुछ काम के लिए, तो हम मिल नहीं पाए। तो इंटरनल पॉलिसी के कारण हम लोग अंदर नहीं जा पाएंगे, बिकॉज इन लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आज अवेलेबल नहीं है। तो जो भी कैजुअल स्टाफ यहाँ का है तो एक से बात करेंगे और थोड़ा बहुत बात करके हम लोग यहाँ से आगे निकलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। की काम करे जाता है वो स्टाफ यार स्टाफ है। तो আমি एक्चुअली বৰমনছ ব্লগ বুলি আমাৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, তো হেই চেনেলৰ জৰিয়তে আমাৰ যে অসমৰ যিবিলাক টি ষ্টেটছ আছে আমাৰ ইয়াৰ ইনফৰমেশ্যন বিলাক দিব চেষ্টা কৰিছোঁ। তো আমাৰ লোৱাৰ আসামৰ ভিতৰত ডাঙৰ টি ষ্টেট হৈছে নাগৰিজুলি টি ষ্টেট। আজি আমি ভাবিলোঁ কি বৰষুণ দি আছিল ৰাতিপুৱা, এতিয়া অলপ বতৰ মুকলি কৰিছে, তো যোৱাই ভাল হ'ব। আহি যিটো গম পালোঁ আপোনালোকৰ জি এম চাহ এতিয়া বৰ্তমান নাই, একদম ষ্ট্ৰেইটলি থৰলি আপুনি কৈ দিব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছ বা মানুহখিনি কিমান মানুহ ইয়াতে কাম কৰে। মানে ইয়াতে আপোনাৰ 3000 মান পাৰ্মানেণ্ট ৱৰ্কাৰ আছে আৰু কেজুৱেল আছে। আপুনি হিন্দী ক'ব জানে নেকি? হিন্দী ক'ব জানে। হিন্দী মে বোলনে সে আচ্ছা ৰহেগা, আমাৰ আসাম কে লোক মাইণ্ড নাই কৰেগা মেৰে, মে উম্মীদ কৰতা হওঁ, ক্যোঁকি হিন্দী মে বোলনে সে বাহাৰ কে লোকো কো পতা চল জায়েগা কি ডিটেল মে। আসাম কে লোক তো হিন্দী জানতে হি হ্যায়, তো হিন্দী মে থোড়া বতা দিজিয়ে। তো ইয়াহাঁ পে বেসিক্যালি আপকা 3000 জেসে পাৰ্মানেণ্ট ৱৰ্কাৰ হ্যায় অর কেজুৱেল ভি হ্যায়। কেজুৱেল ক্যা কৰতে হ্যায় কি অক্সিজেন মে জব কাম বন্ধ হোতা হ্যায়, ऑक्सीजन में उन लोगों को मिलने के थोड़ा चांस कम होता है, तो वो केरला तमिलनाडु चले जाते हैं और कुछ लोग यहाँ पे काम करने लगते हैं। तो जब सीजन होता है तो वो केजुअल लोग आके यहाँ पे काम पकड़ते हैं। और ये यहाँ पे क्या होता है, आप जो यहाँ पे फील्ड देख के आए हैं, यहाँ पे प्लाकिंग होके यहाँ पे ट्रैप है, यहाँ पे वेदरिंग किया जाता है,
16 से 20 घंटा इतना टाइम लगता है वेदरिंग करने के लिए। वेदरिंग करने के बाद उसको फैक्ट्री में लिया जाता है, वहाँ पे CTC है और रोलिंग है। अगर CTC बना है ना है तो CTC मशीन में वो काटा जाता है, काट के फर्मेंटिंग रूम में सुखाया जाता है और डायर में उसको ड्राई कर किया जाता है और उसको सॉर्टिंग भेज के वो ग्रेड वाइज में निकाला जाता है। 3000 लोग जो है वो ये लोग तनख्वाह है इन लोगों का कि कमीशन बेसिस पे वो लोग काम करते हैं? तनख्वाह। ये जो ट्रैक्टर आप दिखा सकते हो, दिखा दीजिए थोड़ा सा, ये ट्रैक्टर आ रहे हैं, ये कच्चा पत्ता लेके आ रहे हैं ना? हाँ, ट्रैक्टर में कैसे पट्टा लेके आए हैं थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा, कितना बढ़िया से लेके आ रहे हैं। ये देखिए मेरे पीछे से जा रहे हैं ट्रैक्टर, ये कच्चा पत्ता लेके, तो इसको प्रोसेस करेगा फैक्ट्री में, सुखाएगा मतलब? हाँ, सुखाया। सुखाने के बाद ये सप्लाई हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए सप्लाई। हाँ, तो मतलब पैकेजिंग वगैरह करते हैं? हाँ, तो वेरियस कंपनीज है तो वो लोग आते हैं कि आप लोगों के साथ कंपनीज टाई अप रहता है? वो तो ईमेल आ जाता है डिस्पैच के लिए। अच्छा, तो इतना माल चाहिए, ऑर्डर होता है, ऑर्डर के हिसाब से हम लोग यहाँ पे माल बनाते हैं। फिर पूरी दुनिया में वो लोग सप्लाई करते हैं? हाँ, सप्लाई करते हैं असम टी के नाम से। तो चलिए ठीक है, हम और थोड़ा सा ये करते हैं कि आप लोगों का जो भी लोग काम करते हैं यहाँ, तो इन लोगों का घर भी बसा हुआ होगा, है ना? ये पूरा ये आप लोगों का जो टी स्टेट का जो कंपनी है, तो इन्होंने ये पूरा फैसिलिटीज दिए रखे है क्या? अच्छा, तो थोड़ा सा हम जा सकते हैं क्या इन लोगों के घर में? थोड़ा सा कैसे लोग रहते हैं, कैसा करते, थोड़ा बहुत इन लोगों से? ये सब आपको जानने के लिए तो परमिशन लेना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे एक पॉलिसी है, जो भी बाहर से आते हैं तो पहले मैनेजमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा उन लोगों के बीच। आपका तो मैनेजमेंट आज है ही नहीं अवेलेबल, तो किनसे बात करूं? और इतना दूर से आके फिर वापस जाके, तो कोशिश करूंगा अगले वीडियो में उनसे बात करके पूरा डिटेल में हम लोग एक अच्छा वीडियो बनाएंगे, है ना? बस थोरोली दिखा देंगे। और जो भी ये गांव जैसा बना हुआ है ना? हाँ, हाँ, गांव। और ये जो आप लोगों ने मंदिर यहाँ लगा के रखे हैं, ये मंदिर दिखा दीजिए थोड़ा सा। ये मंदिर जो है, ये मंदिर ये आप ही लोगों के अंदर में है? हाँ, क्या आप ही लोगों ने खुद बनाए हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, तो ये गांव कहाँ से स्टार्ट होता है जो आदिवासी लोग यहाँ के काम करने वाले लोग रहते हैं? यहाँ से जो आपका वो ब्रिज है, बोनदी ब्रिज, वहाँ से आपका ये नागरीजुली टी गार्डन का प्रॉपर्टी है। अच्छा। और यहाँ से नागरीजुली जो सेंटर है वहाँ से जितना मतलब कि आपका फैला हुआ है फील्ड उतना तक ही है। अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ जो लोग रहते हैं, बाकी जो लोग हैं वो लोग यहाँ काम करने नहीं आते? अगल बगल के जो लोग हैं? अगल बगल के आते हैं। आते हैं ना? क्या टोटल में आपको मालूम है कि अराउंड 3000 लोग काम कर रहे हैं नागरीजुली टी स्टेट्स में, है ना? तो चलिए, थैंक यू। दोपहर का देर बजे है और ये लोग अभी लंच टाइम हुआ है इन लोगों का। एक्चुअली क्या है, वो 8 बजे काम चालू होता है और 8 बजे से 1 बजे तक काम रहता है और 1 बजे से 2 बजे तक इन लोगों का लंच टाइम रहता है और उसके बाद 2 बजे से काम चालू होता है, 4 बजे तक चलता है। चलिए, इन लोगों का रेस्ट के साथ साथ हम लोग भी थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं। मुश्किल से हम लोगों को यहाँ एक रेस्टोरेंट मिला है, तो यहाँ जाके ट्रेडिशनल क्या खाना खिला है, थोड़ा बहुत खा के पूजा करके फिर आगे निकलते हैं। लंच करने के बाद इन लोगों का काम चालू हो गए हैं 2 बजे से। चलिए थोड़ा बहुत दिखा देते हैं कि ये लोग कैसे पट्टा तोड़ते हैं। चलिए आगे चल के हम देखेंगे कैसे काम कर रहे हैं। लंच होते ही आग से ये सेकंड हाफ का अटेंडेंस ले रहे हैं, क्या डिवाइस है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये देखिए लोग पट्टा तोड़ रहे हैं और यहाँ से ट्रैक्टर आएगा, लोड करेगा और ये वो फैक्ट्री तक लेके जाएगा। पट्टा तोड़ के ये बैग में डालता है, फिर ट्रैक्टर में डाल देते हैं। देखिए कितने सारे लोग एक ही साथ में पट्टा तोड़ने का काम कर रहे हैं। वाह, ये देखिए एक नज़ारा कुछ अलग ही हो गया अभी, कितना मज़ा आ रहा है। पूरा ये गाय आ रहे हैं देखिए, और बागान जो है गार्डन के अंदर से बीज में से होके आ रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है देखिए। ये देखिए ये टूल, इससे साफ करते हैं ऊपर का जो लंबा होता है पट्टा, उसको काट देता है। ये महिला लोग काम पे लगे हुए हैं पट्टा तोड़ने की। एक्चुअली यहाँ से प्रोसेस करने के बाद, ड्राई करने के बाद जो कंपनी रहते हैं बाहर के कोलकाता वगैरह में, बेसिकली जो है कोलकाता का कंपनी
ज़्यादा तायाब में रहते हैं और इन लोगों से कांटेक्ट करते हैं और उसी हिसाब से डील तय होता है और फिर ये लोग आके यहाँ से ये सूखा पट्टा उठा के ले जाते हैं और फिर उसको ग्रेडिंग करके, प्रोसेसिंग करके, पैकेजिंग करके मार्केट में डालते हैं। पूरा दुनिया भर में आसाम का चाय चलता है क्योंकि आसाम एक फर्टाइल स्टेट है और यहाँ का फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यहाँ बहुत ज़्यादा है तो ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत मिलता है तो आसाम चाय का दुनिया भर में डिमांड बहुत ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हम आज ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगा वेरी सून। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कम्फर्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।